अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी विनल चौधरी, पाहूया काही ठळक वृत्त। दिनांक 12 जानेवारी स्वामी विवेकानंद जयंती अर्थात राष्ट्रीय युवा दिवसाचे औचित्य साधून ढाके कॉलनी जळगाव येथे इंदिराबाई ललवाणी कनिष्ठ महाविद्यालयातील क्रीडा शिक्षक प्राध्यापक समीर विष्णू घोडेस्वार यांची क्रीडा क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्याची विशेष दखल घेत राजयोग एज्युकेशन अँड रिसर्च फाउंडेशन तथा प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय संस्थेतर्फे राष्ट्रीय युवा प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जळगाव उपक्षेत्र क्षेत्रीय निर्देशिका बीके मीनाक्षी दीदी यांच्या शुभहस्ते तिलक पूजन करून गुलाब पुष्प प्रमाणपत्र स्मृतिचिन्ह शाल श्रीफळ देऊन त्यांना सन्मानित करण्यात आले। प्राध्यापक घोडेस्वार यांचा क्रीडा क्षेत्रातील कार्याचा परिचय तथा सूत्रसंचालन बीके वर्षा पाटील यांनी केले। याप्रसंगी प्रभाकर कला संगीत अकॅडमी संचालिका डॉक्टर अपर्णा भट प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय सब झोन युवा समन्वयक संदीप नांदोडे ब्रह्मकुमारीस प्रभाग सदस्य पंकज पाटील प्रशांत सोनवणे आदि मान्यवर उपस्थित होते। सन्माननीय व्यासपीठ तथा यहाँ पर उपस्थित मेरे भाई और बहनों, सर्वप्रथम मैं सबसे भाग्यशाली हूँ, इतनी बड़ी संस्था अंतरराष्ट्रीय लेवल पर कार्य पर ये काम कर रही है प्रजापिता ब्रह्मकुमारी, और यहाँ पर इतना बड़े विद्वान और पंडित ज्ञानी व्यक्तिमत्व है, इनके सराहे मुझे सराहनीय किया जा रहा है। सर्वप्रथम मैं इनका आयोजन का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि ऐसे आज के सशक्त भारत के अपना जो भारत है वो सशक्त हमें बनाना है, ऐसे युवाओं का यहाँ पर सम्मान किया है, गौरव किया है। मैं सबसे ये संस्था का यहाँ पर आभारी हूं। जैसे कि मुझे कहा गया कि यहाँ पर 12 जनवरी को युवक दिन के उपलक्ष्य में कार्यक्रम होने जा रहा है, तो जैसे ही मेरे दोस्त हैं यहाँ पर पंकज भाई, पंकज पाटिल जी, वो भी युवा प्रभाग के सदस्य यहाँ पर है, समन्वयक के द्वारा से काम करते हैं, उन्होंने मुझसे कहा, फोन पे बात की कि यहाँ पर एक हम पहली बार ऐसे जलगांव जिले के यहाँ पर कई प्रकार के युवक है वो एक सामाजिक प्रेरणा लेकर काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को हम बुला रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मेरा सामाजिक तो कुछ काम नहीं है, हम ज्यादा काम जो है हमारा वो ग्राउंड पे ही रहता है। मेरा जो विषय है, मैं क्रीडा शिक्षक हूं, इंदिराबाई ललवाणी कनिष्ठ महाविद्यालय जामनेर में हूं, एक तालुका लेवल है, और इस तालुका के लेवल में मैं 10 साल से वहां पर जॉब कर रहा हूं। तो वहां पर कई बच्चे रहते हैं, उनके पैरों में चप्पल नहीं होती है, कपड़े नहीं रहते हैं, ऐसे ग्रामीण कई कई खेड़े गांव से वहां पर लोग आते हैं और उनके पास पैसे भी नहीं होते हैं। ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को हम यहाँ पर अलग अलग प्रकार के जो कार्यक्रम करवाते हैं, जैसे कि हमने और कई प्रकार के खेल भी होते हैं, एथलेटिक्स है, खो खो है, कबड्डी है, तो सभी गेम्स में हम बच्चों को बढ़ावा देते हैं, प्रेरणा देते हैं। या बातमीत इथेच थांबूया। ताज्या अपडेट्ससाठी www.jbnmaharashtra.com या आमच्या वेबसाईटला लॉग इन करा, तसेच यूट्यूबवरील आमचे व्हिडिओ पाहायला विसरू नका आणि गुगल प्ले स्टोअरवरील JBN न्यूज ॲप डाउनलोड करून JBN महाराष्ट्र न्यूज चॅनल लाईव्ह पहा। नमस्कार।